मंगोलपुरी से यहाँ पर आ रहे जनकपुरी, इतनी दूर, और ये रिक्शा चला करके आगे आकर के हाथ फैलाते हैं। ये देखिए आपकी एज कितनी है चाचा? 61 साल। 61 साल के होने के बावजूद भी ये देखिए एक हाथ हड्डी फ्रैक्चर और ये हड्डी फ्रैक्चर है। देखिए आप देख सकते हैं ये हाथ सीधा होता ही नहीं है, दिखाना है चाचा? सीधा हो ही नहीं रहा है, मतलब हाथ भी फ्रैक्चर है यार इनका। मतलब ऐसे ऐसे लोग यार सोच कर गया ना, मतलब ऐसा लगता है कि हम कौन से देश में जी रहे हैं, मतलब परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। चाचा क्या हुआ, ऐसे कैसे रखे हो? तबीयत सही नहीं है मेरी, तबीयत सही नहीं है, क्या हो गया? प्रॉब्लम होती है सांस लेने। अच्छा, मैंने वही देखा, मैं अभी दूर से देख रहा था खड़ा होकर के, थोड़ा सा सांस वांस की प्रॉब्लम हो रही। पानी वानी लगे लेके आऊं? ना यार पानी है। पानी पी लो, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना। पानी तो भाई साथ में लेके चलता हूँ मैं। अच्छा, 12 महीने दवाई चलती है मेरी, रेगुलर दवाइयाँ चलती है। तो इतनी एज में आप चला रहे हो मतलब रिक्शा? कर लेता हूँ काम, अपना खर्चा पानी निकल जाता। कौन कौन है आपके घर में? कोई भी नहीं, अकेला हूँ। अकेले रहते हो? और घर कहाँ पर है आपका? किराए के मकान में है मंगोलपुरी। मंगोलपुरी से यहाँ पर आ रहे जनकपुरी, इतनी दूर, और ये रिक्शा चला करके? रिक्शा तो यहीं खड़ा करता हूँ, पहले ये लेती थी ना दुकान। अच्छा, छोटी सी। हाँ, तो यहाँ पर ये रिक्शा खड़ा कर जाते हो किसी के पास, फिर वहाँ चले जाते हो अपना घर पर? किराए के मकान में। तो कितना कमा लेते हैं आप? वही अपना खर्चा पानी लाख कमा लेता हूँ। खर्चा पानी मतलब दिन पे 150 रुपये बन जाए जितने भी है ना? 300 बन जाए। तो मतलब इतना कर लेते हो? कोई है नहीं, मतलब आपकी वाइफ वगैरह? कुछ नहीं है। अभी आप अकेले हो, ये देख रहे हैं इतनी एज में होने के बाद इनका कोई भी नहीं है, और बेचारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दवाई वगैरह चल रही है आपके यहाँ? अस्थमेटिक की दवाइयाँ चल रही है, सांस वगैरह जो फूलता है? सांस वगैरह फूलती है और काम 12 बजे। तो आपको पेंशन वगैरह नहीं आती है कहीं से? नहीं। क्यों? बंद कर रखी है ना। स्टार्ट हो चुकी थी वैसे पेंशन, आई नहीं है, मतलब बनी ही नहीं है। यार देखिए आप, ये इतने सीनियर सिटीजन होने के बाद भी है ना, ये बेचारे ये रिक्शा चला करके अपने 100-200 रुपये जितना भी मजदूरी करते हैं पूरा दिन घूम करके, मतलब इतनी धूप में निकलना मुश्किल है। ये बेचारे रिक्शा को उठाते हैं और क्या क्या लेते हैं, मतलब ये गत्ता और ये पेपर वगैरह? यार पेपर वगैरह लेते हैं। आप ये देखिए कि गत्ता ये हमारे घर में अगर रखा भी हो ना तो ये गंदगी फैलाएगा, लाइक कहीं पर भी रखा रहेगा तो जगह घेरेगा। तो मेरे हिसाब से तो है ना, ये चीज़ें पेपर वगैरह ये गत्ते वत्ते जितने भी होते हैं ऐसे लोगों को तो फ्री में ही दे दिया करो, इनका कुछ गुजारा चल जाएगा। कुछ मतलब इनको पेट में भूखे हैं बेचारे, सुबह से मेहनत करते हैं, किसी भिखारी को देने से अच्छा ये मेहनत तो कर रहे हैं। जो भिखारी आजकल देखे होंगे रोडों पर, अच्छे खासे देखने में भी लगते हैं, वो आगे आकर के हाथ फैलाते हैं। ये देखिए आपकी एज कितनी है चाचा? 61 साल। 61 साल के होने के बावजूद भी ये देखिए एक हाथ हड्डी फ्रैक्चर और ये हड्डी फ्रैक्चर है। देखिए आप देख सकते हैं ये हाथ सीधा होता ही नहीं है, दिखाना है चाचा? यार इनके इन ये देख सकते हैं सीधा हो ही नहीं रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, ये ऐसे है, ये देखो सीधा, और ये सीधा हो ही नहीं रहा है, मतलब हाथ भी फ्रैक्चर है यार इनका। मतलब ऐसे ऐसे लोग यार सोच कर गया ना, मतलब ऐसा लगता है कि हम कौन से देश में जी रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बुजुर्गों को मेहनत करनी पड़ रही है, और जो अच्छे खासे देखने में भी लगते हैं वो भीख मांग रहे हैं, शर्म करो यार। और मेरे हिसाब से तो है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें इनको बुला करके इनको वैसे ही फ्री में दे दो तो कम से कम 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं। और चाचा एक बात बताओ, घर पर कितने का लिया हुआ है किराए पर? किराए मकान वाली जगह 1400 रुपये लेते हैं महीने के। हाँ, और खाना हो जाता है मतलब? और दवाई कैसे करते हैं, मतलब दवाई वगैरह का? डिस्पेंसरी वगैरह, डिस्पेंसरी वगैरह से मिल जाता है आराम से? चलो ठीक है, कम से कम हमारी गवर्नमेंट ने ये इतना तो अच्छा किया होगा, डिस्पेंसरी में इजीली मिल, मतलब आराम से मिल जाता है सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, बस हॉस्पिटल में दिक्कत होती है। हॉस्पिटल में दिक्कत होती है, तो आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं कहीं चेक करवा दूँ? नहीं, मेरे को ना ये सर्द गर्म की प्रॉब्लम है, मतलब सांस वांस फूलना है। तो चाचा मैं तो यही कहूँगा कि 12 महीने मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा अगर करते भी हो ना तो यार आप है ना थोड़ी देर कहीं कहीं पर रेस्ट कर करके करो, और एटलीस्ट ऐसा कर लूँगा मैं यार, जिनको भी है ना अगर ऐसा कुछ भी हो। मोबाइल वगैरह रखते हो आप? मोबाइल रखते हो तो है ना, मोबाइल का नंबर भी इनका शेयर कर दूँगा मैं, अगर किसी को बुला करके, मतलब इतना तो दूर तो नहीं, दिल्ली से बहुत बहुत दूर है, मतलब आसपास के जो भी नियर अबाउट विकासपुरी जनकपुरी और इस तरफ पश्चिम यार वगैरह रहते हैं, तो इन जैसे लोगों को गत्ता वत्ता दे करके, मतलब इनका ये बेचारे खुद आएंगे और खुद ले करके चले जाएंगे। ये देख सकते हैं बेचारे, अभी खाना वाना खाया हुआ है आपने? नहीं, अब खाना खाऊंगा अगर नहीं है तो मैं घर से ला करके दे दूँ या यहीं से ले करके दे दूँ? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं।
देखिए यार, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हो आप, है ना, मतलब ऊपर वाले के ऊपर। यार ये देखिए कितने इनके चेहरे पर स्माइल ही इतनी अच्छी है कि मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है कि अपनी मेहनत से करना है, जो भी करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। नहीं यार कहते, बहुत अच्छा लगा आपसे, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई मैं, हाँ क्योंकि है ना, हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन यार कोहली एक बार मेरे पर्स में से पैसे दे दिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाचा देखो, हम कुछ तो नहीं कर सकते, ये छोटी सी हमारी तरफ से रखो, और जितना भी दवा के लिए जो आपका लगता है ना, इनसे जितना हो सकेगा वो करते रहना, और मैं अपना नंबर दे दूंगा, कभी भी जरूरत पड़े खाना वाना कभी भी, तो मैं ये पास में ही रहता हूँ, आप कभी भी आकर के आप मुझसे खाना वाना कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को कभी भी कॉल कर लेना, ठीक है ना। और कोई नहीं, आप इसको रख लो अपने जेब में, अगर कुछ ज़रूरत पड़े। एक्चुअली मेरी वाइफ है जो कि ये करती है, मैं फर्स्ट टाइम देखा मैंने आपको, हम लोग अभी काम से निकल रहे थे और देखा आपको कि आप थोड़े से मेरे को परेशान लग रहे थे। हाँ तो है ना, एक काम करो, आप कुछ फैमिली मेम्बर को हमारी बोलना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस और सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। बताओ कुछ किसी को कुछ कहना है तो आप। नहीं मुझे तो क्या करना है, मैंने अपना दाल रोटी कमा लिया। मतलब अपनी ये मेहनत के बारे में बता सकते हो कि किसी के आगे भी मतलब मांगने से अच्छा है, मांगने से बढ़िया है कि अपनी मेहनत का खाओ, है ना। एक छोटा सा किया बन जा गई एनसीपी से, यही कुछ गुजारिश आपकी, कहीं पर कहीं पर बैठ कर के आपको। गाइस मैं यही बोलूँगा कि यार ऐसे लोगों की हेल्प करें, जब तक मकान मालिक लग रहा है हाथ पर चल रहे हैं, किराया निकाल रहा, उसके बाद दिक्कत होगी, इससे तो बढ़िया मेरे को किया। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर कोई सुन रहा हो कोई बंदा कोई जो ऐसी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करना यार, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। एम सी डी से मेरे को कहीं किया बन गया छोटा सा बैठने के लिए, जिसमें अपना चाय चूंगी का काम करके बैठ। चलो चाचा आशीर्वाद दो, और मैं तो नहीं चाहूँगा कि ऐसी उम्र में करे, लेकिन यार कोई सपोर्ट करे, रखो आप इसको, रख लो आप, ठीक है। चलो मैं कोई दिक्कत नहीं, आप रखो दवा, है ना। चलो